आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता कैसे खोला जाता है, वो भी आप मोबाइल से ही खोल सकते हैं। तो खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से एक ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप टाइप करेंगे तो आपका होम पेज पे आ जाएगा, प्ले स्टोर के होम पेज पे। तो टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप फर्स्ट टाइम यहीं से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यानी कि परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो दिखाई देगा। ये दिखाई देने के बाद फिर से आपको एक और परमिशन यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे परमिशन दे देंगे अलाउ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओपन योर अकाउंट नाउ पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे जो आप अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद फिर से नीचे में कन्फर्मेशन के लिए एक बार और आधार नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों बॉक्स में जो है सही वाले निशान टिक लगा देंगे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आधार OTP ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसी में एक OTP आएगा, उस नंबर पे वही आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसी में OTP आएगा, वही OTP यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, जैसे मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जो कि आप इसी पे पासबुक आप जो है आपका आ जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नॉमिनी डिटेल्स अगर आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी को भी आप नॉमिनी डिटेल्स आप यहां पे भर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं जो इसको भी आपको नॉमिनी डिटेल्स रखना है। उसके बाद यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं जिस भी व्यक्ति को, अगर आप पेरेंट्स को रखना चाहते हैं नॉमिनी डिटेल्स में तो यहां पे आप उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद यहां पे आप उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है आपका रिलेशन क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन टिक का निशान लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। आप एनुअल इनकम देंगे, साल में आप कितना कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको एजुकेशन लेवल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेव बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये भी आपको ग्रीन टिक का निशान लग जाएगा। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। इसका यह मतलब है अगर आपका DBT का सुविधा इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद कंफर्म बटन पे आप क्लिक कर दे, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट
क्रिएट सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा, उसके बाद अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज हो जाएगा कि आपका इतना कस्टमर आईडी है और आपका इतना जो है अकाउंट नंबर है। और एफएससी कोड सबका सेम ही रहता है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये रहा एफएससी कोड। तो यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड यहाँ पे मिल चुका है, सिर्फ मोबाइल की मदद से आप खाता खोले हैं। तो यहाँ पे आपको एक साल के अंदर में आपको फुल केवाईसी करना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच में या आप शाखा में जाके इसे फुल केवाईसी आप करा सकते हैं एक साल के अंदर। इस अकाउंट में आप पैसा भी जमा करवा सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड की मदद से, बैंक अकाउंट के नंबर की मदद से आप इसका मोबाइल बैंकिंग भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो को देखें कैसे लॉगिन किया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में, कैसे मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे रिचार्ज किया जाता है, सारा डिटेल उस वीडियो में आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।